नमस्कार, एक बार फिर मैं आपके साथ एनएलपी की नई टेक्निक्स के साथ। आज हम पढ़ेंगे स्टेट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से स्टेट हमारी लाइफ के रिजल्ट्स को पूरी तरह से प्रभावित करती है। कैसे अगर हम अपनी स्टेट को क्रिएट करना सीख लें, उसे बदलना सीख लें, अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट को गेन करना सीख लें, तो कैसे हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। एक स्टूडेंट कैसे अपने मार्क्स को, अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकता है। कैसे एक क्रिकेटर, कैसे एक एथलीट, कैसे एक स्पोर्ट्समैन अपने रिजल्ट्स को बेहतर कर सकता है और अपनी सक्सेस के नजदीक जा सकता है। कैसे एक सेल्समैन, कैसे एक एग्जीक्यूटिव, कैसे रादर एवरी इंडिविजुअल कैन गेन अ वंडरफुल रिजल्ट्स व्हेन ही नोज अबाउट द स्टेट। सवाल उठता है कि हम स्टेट को कैसे क्रिएट करते हैं, दूसरा हम इसको कैसे बदल सकते हैं, अनरिसोर्सफुल और रिसोर्सफुल स्टेट्स क्या हैं, किस तरह से हमारी लाइफ को प्रभावित करती हैं, हम देखेंगे इस मैसेज में। जब हम स्टेट की बात करता हूं तो आपको ये समझना होगा कि किस तरह से हम चीजों को परसीव करते हैं, कैसे अपनी रियल इनर रियलिटी क्रिएट करते हैं। इसके लिए समझना होगा कि हम लाइफ में हमेशा डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हमारे सामने आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये भी आपके लिए एक इवेंट है। हमेशा लाइफ आपको एक इवेंट देती है। अगले मोमेंट पर आपको पता चलता है कि आपका एक लॉटरी निकल गई है या आपकी कोई कार चोरी हो गई है, तो ये आपके लिए एक लाइफ की इवेंट है। हम इसको खराब या अच्छा नहीं बताएंगे, शुरू में हम देखेंगे ये मात्र एक इवेंट है। जब भी कोई इवेंट हमारे साथ आती है तो हम उसे पांच तरह से परसीव कर सकते हैं। हमारे पास पांच सेंसेस होती हैं जिनके द्वारा हम चीजों को परसीव कर सकते हैं। पहली सेंस है हमारी कि हम चीजों को देखकर लर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कुछ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी विजुअल सेंस आपकी हेल्प कर रही है। जब भी आप किसी का चेहरा पहचानते हैं तो आप बेसिकली अपनी विजुअल सेंस का यूज करते हैं। केमिकल इक्वेशन हो, आपकी स्पेलिंग्स हो, डायग्राम्स हो, मैप्स हो, रूट्स हो, ये सारे के सारे चीजें जब आप लर्न करते हैं तो आप अपनी विजुअल सेंस मीन्स आंखों का प्रयोग करते हैं। दूसरी सेंस है आपकी हियर सेंस। कुछ चीजों को आप देख नहीं पाते, सिर्फ आपको सुननी पड़ती है। जितनी भी लैंग्वेज हम सीखते हैं वो ये सुनकर हम सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे वर्ड्स आप तक जा रहे हैं, आप इन्हें सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, फिर भी आप इनको समझ पा रहे हैं, फिर भी आप इनको परसीव कर रहे हैं। तीसरी चीज है कि कुछ चीजें ना दिखाई देती हैं ना सुनाई देती हैं, बल्कि आपको उनको टच करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये व्हाइट बोर्ड कितना ठंडा है या गर्म है, ये आपको ना तो दिखाई देगा इसकी ठंडक, ना ही सुनाई देगी। असलियत में आपको ये जानने के लिए इसको टच करना होगा। सो तीसरी हमारी बड़ी सेंस है, दैट इज कॉल्ड टच सेंस और फीलिंग सेंस, और इसको हम बायो में या एनएलपी में हम इसको कहते हैं काइनेस्थेटिक सेंस आल्सो। टू मोर सेंसेस आर देयर, वन इज स्मेल, कुछ चीजों को हम सूंघ कर बता पाते हैं, कोई ये चीज खुशबूदार है कि बदबूदार है, और इसी तरह से एक सेंस है टेस्ट। यद्यपि आदमी की मेमोरी के लिए या परसेप्शन के लिए ये दो ज्यादा काम नहीं करती है दो सेंसेस, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास तीन मेन सेंसेस हैं जिनके द्वारा हम चीजों को परसीव करते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि ये हम हैं, जब ये परसेप्शन हमारा इन सेंसेस के द्वारा आपके पास आता है, हमारे दिमाग तक आता है, तो हमारे मस्तिष्क में जाने से पहले यहां एक छोटा सा गेम शुरू होता है। इसका नाम है फिल्टर ऑफ डिलीशन, डिस्टोर्शन एंड जनरलाइजेशन। डिलीशन का मतलब है कि हमेशा हमारा ब्रेन जितनी भी इंफॉर्मेशन उसे मिल रही है इन तीन सेंसेस के द्वारा, उनमें से हमेशा कुछ ना कुछ डिलीट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए कि आप अपने ऑफिस, अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं, आपके बगल से कितने कार्य गुजरे, उनका नंबर क्या था, उनका कलर क्या था, उनको कौन चला रहा था, उनके चेहरे कैसे थे, ये आपको याद नहीं रहेगा। बिकॉज ब्रेन थॉट इट इज इररिलेवेंट टू लर्न, और ब्रेन इसको डिलीट करता चला जाएगा। ये डिलीशन हमारे लिए काफी काम की चीज भी है। कई बार ये डिलीशन हमारे बगैर कंट्रोल के होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे कि कई बार आप पूरी रात एक कंटेंट को पढ़ते हैं ताकि आप सुबह अपने एग्जाम में उसको लिख पाएं, लेकिन पूरा का पूरा कंटेंट या उसमें से कुछ पार्ट आपका डिलीट हो जाता है। दूसरी चीज है डिस्टोर्शन। इसका मतलब है जब हमारा ब्रेन किसी भी चीज को अलग तरीके से ट्विस्ट करके लेता है। असलियत में कई बार आपने देखा होगा कि जब आप मीनिंग निकालने लगते हैं किसी भी चीज का, क्योंकि ऐसा हुआ है तो इसका मतलब मैं लक्की हूं या अनलक्की हूं, ये डिस्टोर्शन होता है। तीसरी चीज है जनरलाइजेशन। किसी एक एक्सपीरियंस को लेकर वो बड़ा बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन में आपको किसी कूलर को छूने से करंट लगा है तो आप बहुत दिनों तक आपका
डर बैठ जाता है हर कूलर से, आपको लगता है कि ये करंट मारने वाली मशीन है। इस तरह से हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन में से कुछ चीजों को डिलीट कर लेता है, कुछ को डिस्टोर्ट करता है और कुछ को जनरलाइज कर देता है, और उसको फिल्टर करने के बाद हमारे ब्रेन में एक नई इवेंट क्रिएट होती है जिसका नाम है इवेंट नंबर टू। अगर मैं कहूं ये इवेंट नंबर वन है और ये इवेंट नंबर टू है, इनफैक्ट हमारी रियलिटी इवेंट नंबर टू है, एक्चुअल रियलिटी इवेंट नंबर वन है। आप ये भी देखेंगे, समझने की चीज यहां पर ये है कि इवेंट नंबर वन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इवेंट नंबर टू। इवेंट नंबर एक इवेंट नंबर दो से पूरी तरह से अलग है। क्यों? क्योंकि इवेंट नंबर दो आपकी एक डिस्टोर्टेड इवेंट है, डिलीटेड इवेंट है, जनरलाइज्ड इवेंट है, वैसी नहीं है जैसी इवेंट नंबर वन थी। और यह है आपकी इनर रियलिटी, और ये इनर रियलिटी को ही हम कहते हैं ये हमारा परसेप्शन है। किस चीज का परसेप्शन? इवेंट नंबर वन का परसेप्शन। इस परसेप्शन की वजह से आपको एक चीज फॉर्म होती है, उसका नाम है स्टेट। ये परसेप्शन हमेशा आपके अंदर, आपके ब्रेन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर एक सम टोटल क्रिएट करता है जिसका नाम है स्टेट। और ये स्टेट दो तरह की हो सकती है, एक रिसोर्सफुल स्टेट, एक अनरिसोर्सफुल स्टेट। रिसोर्सफुल स्टेट वो स्टेट है जिससे जब आप इस स्टेट में होते हैं तो हमेशा आप अपनी एनर्जी को हमेशा बढ़ा लेते हैं, बेहतर रिजल्ट पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसोर्सफुल स्टेट को अगर हम लें, डिसीजन मेकिंग इज ए रिसोर्सफुल स्टेट, हैप्पीनेस इज अ स्टेट दैट पुट्स यू इन अ वेरी रिसोर्सफुल सिचुएशन। आपका जॉय, एक्सटेसी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी डिसीजन लेने की कला, ये सारे के सारे, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी रिसोर्सफुल स्टेट है। अगर हम अनरिसोर्सफुल स्टेट की बात करें, जो आपकी एनर्जी को पूरी तरह से समाप्त कर, पूरी तरह से खत्म कर देती है आपकी लाइफ एनर्जी को, इन स्टेट्स को हम अनरिसोर्सफुल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फियर। जब भी आप फियर में होंगे, आप कभी भी एक बेहतर डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, अकेलापन, गिल्ट, डिस्कम्फर्ट, ये सारी की सारी वो स्टेट है जो हमेशा आपकी रिसोर्सेज को खत्म कर देती है, आपके इनर रिसोर्सेज को, इनर पोटेंशियल को खत्म कर देती है। इस स्टेट के बाद होता क्या है कि इस स्टेट के बाद आप, या चाहे तो आप रिसोर्सफुल स्टेट में होंगे या अनरिसोर्सफुल स्टेट में होंगे, इन स्टेट के बाद आप एक चीज क्रिएट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड योर बिहेवियर। हमेशा आप बिहेवियर जरूर करेंगे। एनएलपी की एक प्रीसपोजिशन है, यू कांट नॉट कम्युनिकेट, इट मींस यू विल ऑलवेज कम्युनिकेट, मींस यू विल ऑलवेज रेस्पॉन्ड। बिहेवियर भी कह सकते हैं हम इसको, रेस्पॉन्स भी कह सकते हैं। ये बिहेवियर आपका दो तरह से हो सकता है। नंबर एक, वर्बल बिहेवियर, वर्बल लैंग्वेज, और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल ये शो करेगा कि आप किस तरह के शब्द बोलेंगे, किस तरह के फ्रेजेस का यूज करेंगे। नॉन वर्बल ये बताएगा कि आपकी बॉडी का पोस्चर क्या होगा, आपके कंधे कहां होंगे, आपकी सांस किस तरह से चल रही होगी, आपके फेशियल मसल्स किस तरह से काम कर रहे होंगे, वो टेंशन में होंगे कि रिलैक्सेशन में होंगे, आपकी बॉडी की कंप्लीट एनर्जी क्या होगी, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम क्या, कितना काम कर रहा होगा, आपका इम्यूनिटी उस टाइम वीक है कि स्ट्रांग है, आपकी कंप्लीट एनर्जी का लेवल क्या है, ये होगा आपका नॉन वर्बल का बिहेवियर। अब सवाल उठता है कि अगर हमें इतना पता चल गया कि हमारे पास दो स्टेट हैं, एक है रिसोर्सफुल और एक है अनरिसोर्सफुल, बेसिकली जितने भी हमारे नुकसान होते हैं लाइफ में, जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं लाइफ में, वो सब इस स्टेट की वजह से होते हैं। जब भी आप इस स्टेट में होते हैं, आप हमेशा बेहतर रिजल्ट गेन करते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि अब हम स्टेट को कैसे बदलें, तो यू कैन स्टे इन कंट्रोल ऑल द टाइम। कंट्रोल इज ए वेरी इमोशनल वर्ड, बिकॉज व्हेनेवर यू आर इन अनरिसोर्सफुल स्टेट, ओनली देन यू गो फॉर स्मोकिंग, ओनली देन यू गो फॉर नेक्स्ट ग्लास ऑफ अल्कोहल, यू गो फॉर ड्रग्स, यू गो फॉर अनवांटेड बिहेवियर्स। व्हेन यू आर इन रिसोर्सफुल स्टेट, यू आर ऑलवेज हैप्पी, यू आर ऑलवेज डिजाइनिंग योर लाइफ इन ए वंडरफुल वे, यू आर मेकिंग गुड डिसीजंस। अब सवाल उठता है कि हम इस स्टेट को कैसे बदलें। इसके दो तरीके हैं। नंबर वन,
जब भी आप इस स्टेट को बदलना चाहें, पहली चीज है कि आप अपनी फिजियोलॉजी पर काम करें। फिजियोलॉजी का मतलब है कि आप कैसे बॉडी का यूज करें, आप अपनी बॉडी का, आप अपनी टोनैलिटी के ऊपर काम करें। फिजियोलॉजी का मतलब है कि आप अपनी बॉडी पोस्चर्स के ऊपर, अपनी मूवमेंट के ऊपर प्लस अपनी टोनैलिटी के ऊपर काम करें। इसके लिए आपके आपको मैं एक टिप देता हूं, एएनएलपी की बहुत ही सिंपल टिप है। आप किसी भी वक्त डिप्रेशन से डिलाइटफुलनेस में आ सकते हैं, किसी भी वक्त आप अपने फ्रस्ट्रेशन को फ्लेक्सिबिलिटी में बदल सकते हैं, कैसे किसी भी वक्त आप अपने फियर को कॉन्फिडेंस में बदल सकते हैं, किसी भी वक्त आप अपने सैडनेस को हैप्पीनेस में बदल सकते हैं, किसी भी वक्त आप अपनी इलनेस को वेलनेस में बदल सकते हैं। पहली चीज है कि आप अपनी फिजियोलॉजी का कैसे यूज करें। इसका रूल होगा एज इफ। सिंपली इवन नाउ व्हेन यू आर लिसनिंग टू मी, जैसे ही मैं आपको कमांड दे रहा हूं आप उस तरह से करके देखिएगा। अगर आप ये मान रहे हैं कि आप इस वक्त डिप्रेस्ड हैं, मानो एज इफ मींस मानो, सपोज एज इफ यू आर डिलाइटफुल, स्टैंड द वे इन केस यू आर डिलाइटफुल, हाउ विल यू स्टैंड, जस्ट ट्राई इट, खड़े हो उसी तरह से। दूसरे, पुट योर शोल्डर्स इन द सेम स्टेट एज इफ यू आर वेरी डिलाइटफुल, हैव द ब्रीदिंग पैटर्न इन द सेम वे एज इफ यू आर वेरी डिलाइटफुल। नाउ पुट दैट एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, एक्सप्रेशन ऑफ डिलाइटफुलनेस, एंड नाउ क्रिएट सम इनर वॉइस दैट इज कंसिस्टेंट टू योर डिलाइटफुलनेस। तीन चार चीजें मैंने आपको बताई, मैं फिर रिपीट करता हूं। नंबर एक, आप अपनी स्पाइन को, कंधों को, आप अपनी गर्दन को उसी तरह से बैलेंस करें, एक लंबा सा सांस लें, मानो तुम बहुत डिलाइटफुल हो, थोड़ा सा अपनी आंखों को ऊपर की तरफ ले जाएं। ऊपर की तरफ क्यों? जब आप फर्दर वीडियो देख रहे होंगे एनएलपी में, तो इस मोमेंट का आपको रेलेवेंट, ये कितना इंपॉर्टेंट है या इसकी क्या रेलेवेंस है, तब आपको इसका पता चल रहा होगा। लेकिन अब करके देखें, आप अपने चेहरे पर वैसे एक्सप्रेशन लाएं और अपने अंदर एक क्रिएट करें एक साउंड, वाओ यस आई एम डिलाइटफुल, और या वॉट एवर इट इज, एंड द वॉल्यूम ऑफ दैट साउंड शुड बी वेरी लाउड, दो इट शुड बी ओनली इन योर माइंड, एंड डू इट फॉर नेक्स्ट 30-40 सेकेंड्स, एंड सडनली यू विल फाइंड दैट यू डोंट हैव एनी मेमोरी दैट इज डिप्रेसिंग यू। एनी टाइम यू वॉन्ट टू फील कॉन्फिडेंट, यूज दिस टेक्निक, एज इफ आई एम कॉन्फिडेंट, पुट योर स्पाइन, पुट योर शोल्डर, पुल योर फेस दैट वे, have the breathing system as if you are very confident, put that facial expressions on your face that shows that you are confident, have that inner voice and hold that posture, that breathing system or pattern for next 30 to 40 50 60 seconds, and suddenly you will find there is no fearing or fearful memory that can make you scared of the things. It is so simple. Anytime you want to contribute in the lives of people जो लंबे समय तक बीमार है, आप उनकी लाइफ में एक मिरेकल कर सकते हैं। Whenever you are meeting a person who is suffering from a prolonged disease, go to him and start using this formula. उनसे कहिए कि मानो तुम इस वक्त पूरी तरह से वेल हो, पूरी तरह से स्वस्थ हो। How will you stand? How will you walk? How will you put your body? What will be your body posture? How will you take the breath? What will be your facial expression? What will be your inner voice when you are completely well, as if you are completely well? And ask that person to hold this zone for some time, and then you ask him what is going on in your mind, and he'll say, yes, feels good. Yaad rakhiyega, ye aapki state, jitne lambe samay tak jo state chal rahi hogi, waisi aapki identity brand hone lagti hai society mein, market mein. Example ke liye sochiye, जिस आदमी को आप इंटेलिजेंट कहते हैं, वो पूरी तरह से इंटेलिजेंट नहीं है, वो कई बार बहुत बेवकूफी के काम भी करता है, लेकिन उसकी स्टेट एक प्रोलॉन्ग्ड स्टेट या एक एक्सटेंडेड स्टेट इंटेलिजेंस की है, दैट इज व्हाई पीपल कॉल हिम इंटेलिजेंट। जिस आदमी को स्टूपिड कहा जाता है, ऐसा नहीं कि उसके पास ऐसे काम नहीं है करने के लिए, ऐसे वो काम नहीं करता जो उसकी इंटेलिजेंस को शो करते हैं, यद्यपि उसके पास बहुत सारे ऐसे काम है जो इंटेलिजेंस को शो करते हैं, लेकिन उसका एक्सटेंडेड जोन, एक्सटेंडेड स्टेट उसकी बेसिकली स्टूपिडिटी की है, इसीलिए लोग उसको स्टूपिड कहते हैं। जितने लोग खुश रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में डिप्रेशन नहीं है, उनके जीवन में चैलेंज नहीं है, उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका जो एक्सटेंडेड जोन है या एक्सटेंडेड स्टेट है, वो एक हैप्पीनेस की स्टेट है। जितने लोग खुश रहते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं, बेसिकली उनका एक्सटेंडेड जोन ही हेल्थ है। एनी टाइम यू कैन एक्सटेंड दैट जोन। जब भी आप चाहते हैं कि आप बेहतर रिजल्ट लें,
सबसे पहले आप अपनी बॉडी की, अपने सांसों की, अपने गर्दन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन और इनर वॉइस का यूज करना सीखें, जो टेक्निक यहां पर बताइए। ये पहला टूल होगा आपको अपनी स्टेट से बाहर लाकर उस स्टेट में जाने का जिसमें आप जाना चाहते हैं और उन रिजल्ट्स को लेना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम यू आर मीटिंग और यू आर फेसिंग इंटरव्यू, थिंक फॉर अ सेकंड एज़ इफ आई एम कॉन्फिडेंट टू गेट सिलेक्टेड। पुट योर स्पाइन, शोल्डर्स, हैव दैट ब्रीदिंग पैटर्न, शो इट ऑन योर फेस, मेक दैट इनर वॉइस एंड दिस एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द पीपल हु आर इंटरव्यूइंग यू। सो सिंपल। नेक्स्ट टाइम यू आर टेकिंग एन एग्जाम, try the same technique as if I am confident to write my all questions properly. Put your spine that way, put your shoulders in the balanced way, have that breathing pattern, create that inner voice, have that facial expression on your face, and suddenly you will find that you are remembering or recalling all the questions that you have learned last time on the last 6 months even. It is so simple. The second thing about NLP, I mean about changing the state, is changing the inner structure. अभी हमने देखा है कि हम हमेशा स्टेट से पहले हमने एक इनर स्ट्रक्चर बनाया था। अब सवाल उठता है कि या तो हम इस फिजियोलॉजी से ठीक कर लें, दूसरा तरीका है कि जो इनर स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बना हुआ है किसी भी इवेंट का, जिसकी वजह से ये स्टेट आ रही है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं, उस स्ट्रक्चर को अगर हम बदल दें तो हम अपनी स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, इसकी क्या क्या क्वालिटी होती है जिनको हम मॉडलिटी और सब मॉडलिटी कहते हैं। इसमें अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे इसको बदल कर हम रिसोर्सफुल स्टेट में ला सकते हैं। किसी भी वक्त आपके अंदर पड़े हुए पैटर्न, अगर ये पेनफुल मेमोरी है, ट्रॉमा है, ये इलनेस पैटर्न है, आप इनको बदल सकते हैं। अगली वीडियो में हम यही देखेंगे, लेकिन तब तक अब आप यू हैव गॉट अ टूल, चेंज योर फिजियोलॉजी, चेंज इट टू अ कॉन्फिडेंस, चेंज इट टू अ वंडरफुल हेल्थ, एंड कीप remaining in that zone, in that state, and keep enjoying your state till we meet again. Thank you very much. Namaskar.